फाइनली आज हम जन्माष्टमी के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुए हैं गुड़गांव इस्कॉन टेम्पल में। तो मंदिर में एंटर कर चुके हैं, मंगल आरती सुबह की हम देख चुके हैं और अब हम दोपहर में आए हैं, 1 बज रहे हैं इस टाइम और अब जन्माष्टमी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अभिषेक के लिए, फिर अभिषेक होने के बाद थोड़ी देर बाद इनका कीर्तन स्टार्ट होगा जो आज पूरी रात चलेगा क्योंकि आज भगवान का जन्मदिन है तो आज हम पूरे दिन भगवान को याद करेंगे। छोटे छोटे से बाल गोपाल जी बने हुए हैं, सबसे क्यूट बाल गोपाल जी, केक के लिए बनाया गया अलग से पूरा। यहाँ हर जगह अभिषेक चल रहे हैं तो बस यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं जो बाकी अभिषेक अभी करेंगे। अभिषेक के लिए यहाँ पे अलग से बना रखा है, यहाँ पे हर जगह अभिषेक चल रहा है क्योंकि यहाँ भीड़ आज बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो इस वजह से अलग अलग जगह पे अभिषेक चल रहा है। तो यहाँ अभी प्रसाद चल रहा है और लोगों ने प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया और मेरी फैमिली हम लोग प्रसाद ले चुके हैं, हम प्रसाद अच्छे से खा पी चुके हैं, यहाँ तक खा चुके हैं, भगवान ने हमें खूब सारा खिला दिया है और अभी हम थक गए हैं तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम क्या करें क्योंकि अब फंक्शन जो शुरू होगा वो 7 बजे होगा। तो अब 7 बजे रॉक कीर्तन होने वाला है जिसके मज़े हम लेने वाले हैं और उसका व्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये रॉक कीर्तन की तैयारियां हो चुकी है, स्टेज लग चुका है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग खा पी रहे हैं, शो शुरू होगा 7 बजे। चलिए अब हम आपको 7 को मिलते हैं। राधे राधे।